रोटियां, ये कल की रोटियां आप लोग देख सकते हैं। दरबार की जय। गांव में हम ना सिद्धू मूसे वाला है ना, तो उनके गांव में हम लोग प्लान बनेगा तो उनके घर भी जाएंगे जहां उनकी समाधि बनी। हमें वहां से भगा दिया पान वालों, आए बातें पहले उठ जा, कई साल पहले लुप्त हो गए पता नहीं। राम राम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी कटरा जा रहे हैं माता रानी के दरबार में, जो कि सबको दर्शन नहीं मिलते आप लोग भी जानते हैं। ये देखो पूरा सामान यहाँ पे रखा हुआ है और हम लोग मतलब प्रॉपर किसी वाहन से या ट्रेन से नहीं आ रहे, क्योंकि हमें ब्लॉग भी डालना होगा। अगर हम ट्रेन से जाते हैं या किसी बस वगैरह से जाते हैं तो हमारे ब्लॉग नहीं डल पाएंगे, इसलिए हम लोग कुछ पैदल चलते हैं। कुछ जैसे कि कोई वाहन यहाँ पे ना बोलेरो बहुत चलते हैं, सामान लेके सामान लाद के बोलेरो चलते हैं, कुछ उसमें बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत किराया लेते हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि बिल्कुल भी किराया नहीं लेता। घर से ना काफी दूर आ चुके हैं, यानी उत्तराखंड से हिमाचल की तरफ आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना पीना हम लोग घर से बना के लाए थे और ये रास्ते से हमने ये गन्ने तोड़े थे। फ्रेंड ये देख सकते हो, हम लोगों ने आप लोगों ने जो पिछली वीडियो देखी थी उसमें हम लोग कुछ बैंगन तोड़ के लाए थे, जो काफी लंबे लंबे बैंगन थे, उन्हीं बैंगन का ये भरता है। कल बनाया था हमने, कल शाम रात को भी खाया था, बचा हुआ था तो हम साथ लेके आए, अभी भी इसी से रोटी खाएंगे। रोटियां अभी रात की हैं आप लोग देख सकते हैं, इसमें कुछ रोटियां रखी हुई हैं और ये बैंगन का भरता है, भरता नहीं भरेवा बैंगन जो बोलते हैं, वो वाली सब्जी है, इसको खाना खाते हैं। चलो इसमें हमारी गाइस रोटियां, ये कल की रोटियां आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों हमारा खाना पीना खब गया, बहुत अच्छा लगा था अभी भी सब्जी, और रात को तो और ही अच्छी लगी थी। और हमारे गन्ने की बारी है, हम जो गन्ना तोड़ के लाए थे, पीछे खेत है वहीं से ये गन्ना तोड़ के लाए थे हम लोग। अब गन्ना हम ना कितने साल बाद खा रहे गन्ना, मैंने कम से कम ना ऐसे 16-17 साल में आज तोड़ो आज ही खा रहा हूँ। बहुत देर से देख रहा हूँ, ये ना छिला हुआ तो खा जाती है, ये वाला छिला हुआ पूरा खा जाएगी, जब छीलने की बारी आएगी ना, जब मेरे मुंह की तरफ देखती है क्या कहती है फिर है? छील ले बाबू जल्दी छील ले यार। अच्छा अब देख गाली ना दे रही, अब है अब देख गाली देना। गाइस छील चुका है मेरा गन्ना अभी गाँव में। गाइस खाना पीना हो गया, गन्ना वन्ना भी खा लिया, अब चलते हैं अपने मंजिल की तरफ, और जहाँ तक होगा वहाँ तक हम पैदल चलेंगे नमस्ते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या हो, लिफ्ट लें या फिर कुछ भी, वो थी ना माल ढोने वाली बलेरो उसमें चलेंगे। ठीक है दरबार की जय। गाइस चलते हैं माता वैष्णो देवी की तरफ, एक दो दिन में तो पहुंच ही जाएंगे। कुछ दोस्तों आप लोगों ने दिन में व्लॉग देखा था और अभी देखो रात हो चुकी है और हम लोग आ चुके हैं पंजाब में। हम लोग किसके गांव में, हम ना सिद्धू मूसे वाला है ना, जो जिनकी हत्या कर दी गई, सिंगर थे, उनके गांव में हम लोग। और अगर हमारा प्लान बनेगा तो उनके घर भी जाएंगे जहां उनकी समाधि बना दी गई है, वहां भी जाएंगे। गाइस अम्मू तभी कटरा के लिए यहां से ट्रेन मिलती है। गाइस खन्ना रेलवे स्टेशन है और यहां पे तीन भाषा, हिंदी और पंजाबी और क्या बोलते हैं इंग्लिश। यहाँ पे ज्यादातर पंजाबी लोगों का बसेरा, पंजाब के लोग ज्यादातर रहते हैं, उनकी भाषा में ज्यादातर चीजें रखी हैं। और यहाँ पे ना गाइस मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाऊंगी, शायद आप लोगों ने देखी भी नहीं होंगी, पंजाब के अंदर हम बहुत देर से यहाँ पे चीजों को देख रहे हैं। कमेंट करके बताना किस किस के इनको देख रहे हैं। छोटी सी ट्रेन है, काफी देर से दिख रही है, हैं छोटी सी दिख रही है, वहाँ तो देख पलंग तो देख शुरू को रेड दिख भी ना रही है ना, रेड लाइट हाँ। और बहुत आगे तक है अंजन, इसका अंजन आएगा जब चल के जाएगी मालगाड़ी है। नहीं कौन सी भाषा में यहाँ पे ये पुलिस चौकी का नाम लिखा है, भाषा नहीं आती ये वाली कौन सी है, पंजाबी लोगों की भाषा है। पंजाब में इस टाइम हम, और सिद्धू मूसे वाला सर का गाँव कितनी दूर है, कहाँ है वो चीजें नहीं मालूम। वैसे हम ना कोई भी चीज मुमकिन नहीं है, बस हम लोग खा ले, हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं कैसी भी करके। फिलहाल अभी कुछ खाने चलते हैं फ्रेंड, कुछ सुबह से खाया नहीं है ना तो भूख लग रही है, बस वही दो ज्यादा रोटी नहीं थी कल की, वही खा रखी है बस। चलते हैं, कुछ सस्ता मिल जाता है तो खा लेते हैं, अगर महंगा मिलेगा तो फिर नहीं खाएंगे क्योंकि इतना बस। दोस्तों अभी आ चुके हैं ठेले पे, खाते हैं, कुछ भूख लग रही है थोड़ा से। चल ये देख सकते हैं राधे श्याम स्पेशल के नाम से ठेला है छोटा सा, अंकल आग जला रहे हैं बनाने के लिए,
चुका है हम लोगों का। यही ठेले से खाना खा रहे हैं आज, और पीपल के ऊपर पीपल है, पीपल की छांव में खाना खा रहे हैं। फिलहाल अभी छांव नहीं है, रात है इसलिए खाते हैं। दाल और रोटी 40 रुपए की एक प्लेट है गाइस, और खाते मैं खा रहा हूँ। कैसी है? दाल में पानी पानी है। फ्रेंड खाना पीना हम लोगों ने खा लिया, अच्छा था, 80 रुपए में हमारा पेट भर गया। और हमने अंकल से पूछा था जो सिद्धू मूसेवाला का घर किधर है, तो बोले थे ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, लेकिन उनके घर पे जाएंगे वैष्णो देवी से, लौटते में जाएंगे, अभी नहीं जा रहे क्योंकि जिस काम के लिए पहले आए पहले उधर चलो भगवान के नाम पे। फ्रेंड जब भी खाना खाते हैं हम लोग ठेला जो ठेले वेले से ही खाते हैं, कभी होटल होटल में खाना ही ना नहीं खाते, क्योंकि एक तो महंगा मिलता है ऊपर से उतना खास भी नहीं लगता, तो जैसा भी होता है बाहर से ही खाते हैं। क्योंकि किसी एक वक्त था कि हमारे भी ऐसे ही ठेला था, हमारे पापा काम करते थे और हम भी सोचते थे कि कुछ ग्राहक आए हमारे तरफ, तो ये चीज सोचते हैं कि हमेशा छोटे लोगों के पास चीजें खरीदो खाओ। पता है दोस्तों ऐसा करती हूँ, अगर जैसे रोड पर सामान लेके बैठते हैं ना, अगर मुझे सामान की जरूरत भी नहीं होगी छोटे मोटे सामान की, जो ज्यादा गरीब होगा मैं उससे भी सामान खरीदती हूँ ताकि इसके 2-4 पैसे आ जाए। तो हम लोग स्टेशन पर वापस आ गए, खाना खा गए, बहुत अच्छा पेट भरा था। और ये देखिए हम लोगों ने अभी तो हमारी कोई ट्रेन नहीं है जम्मू के लिए, जम्मू तभी कोई एक्सप्रेस है उससे जाया जाएगा, अभी कोई ट्रेन नहीं है। और हमने ना एक क्या बोलते हैं इसको प्लेटफॉर्म टिकट ले लिए यहाँ ठहरने के लिए, क्योंकि ऐसे यहाँ पर रुखा नहीं जा सकता, क्योंकि हमको पूरी रात यहीं सोना है, यहीं ऐसे करके नीचे जमीन पे या फिर ऊपर कैसे भी करके सोना है। पुलिस को डंडे मार मार के भगा देते हैं, हमारे साथ ना कई बार हुआ है, इसलिए हम लोगों ने 20 रुपए की प्लेटफॉर्म टिकट ले ली। अब आराम से बैठो या सो कोई दिक्कत नहीं है, और चलते गाइस। यहाँ के लोगों की तो हमें भाषा भी समझ में ना रही, योग नगरी पे सो गए थे तो वहाँ पर डंडा कुचेड़ कुचेड़ के भगाते हैं, है ना, कैसे डंडा कुचेड़ते हैं ना, इस वजह से गाइस हम लोग टिकट ले आए और आराम से बैठेंगे इधर, कोई कुछ ना कहेगा, कहेगा तो हम उस अभी हम लोग सो जाते हैं, सुबह में मॉर्निंग में आप लोगों से मिलते हैं। काफी अच्छी हवा चल रही है, पंखा भी चल रहा है ऊपर, ठीक है, बाय, गुड नाइट फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज चुके हैं 5:30। आप लोगों को हमने दिखाया था, हमने टिकट भी ली थी, लेकिन पुलिस वालों ने हमें वहां से भगा दिया। तो आप लोग देख सकते हैं गांव में किसी की दुकान के सामने हम पूरी रात सोए थे, अभी आप देख सकते हैं कुश्ती की दुकान है, ये नहीं पता किसकी दुकान है, हम तो बस ऐसी जगह मिली थी सो गए थे। फ्रेंड आपके पास पैसे नहीं है, आप माता रानी के दर पर कैसे वहाँ पे जा रहे हो? अरे वहाँ जाने के लिए जिगरा होना चाहिए, जैसे हम जैसे दुकानों के सामने पड़े हैं ना रात रात भर, कैसा भी खाते हैं कहीं भी सोते हैं, वैसे करके जिगरा होना चाहिए आदमी में, माता रानी के दर्शन तो ही करने जा रहे हो। इंसान पर माता रानी की कृपा होती है ना, अपने पास बुलाते हैं तो वो आदमी कैसे भी चला जाता है, ये मत पूछो कैसे जाएगा। हम जा रहे हैं, आप लोग हम अपनी कंडीशन आपको दिखाते रहेंगे गाइस। देखो आप लोगों के सामने टिकट ली थी स्टेशन टिकट, वहाँ भी हमें बैठने दे दिया, वहाँ से भी हटा दिया था, तो फिर हम लोग इधर आए थे। बच्चा बाबू देख, दिन 5:30 बज गए, दुकान वालों आए, बातें पहले उठी जा, मैं इससे इतनी देर से उठा रही हूँ, उठी ना रहा, उठे उठिए जल्दी गाइस। रोड पे सो रखे हम, देखो इधर रोड चल रहा है और ये यहाँ पे दुकान है, अब दुकान वाला आए उससे पहले उठ के चलो, वरना को कुछ कहे सुबह सुबह अनेटबाजी हो अच्छा ना लगता। अब चलो चलते हैं गाइस, 5:30 बज रहे हैं, थोड़ी देर बाद ही अभी दिन निकल आएगा और दुकान वाला आ सकता है, चलते। जय माता दी, जय वैष्णो देवी मैया, तेरे द्वारे आ रहे हैं बस, वैसी वाली कोई दिक्कत ना है। अभी तो हम गांव में पड़े हैं, इससे आगे जाएंगे हिमाचल पड़ेगा, बहुत खतरनाक पहाड़ी जंगल रास्ता पड़ेगा, तो वहाँ पे कोई बहुत ज्यादा शेर चीता भगर्रा भी मिलते हैं, उनसे हमारा सामना ना हो, यहाँ तो हम कैसे भी कर लेंगे। मुझे तो एक चीज से फ्रेंड बहुत डर लग रहा है कि यहाँ तक तो कैसे भी करके हमने बिता लिया, आगे बहुत ही खराब रास्ता पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा चढ़ाई, खतरनाक जंगल, वहाँ तो शेर और भी बहुत रहते हैं वैष्णो देवी की तरफ। मिल गए यहाँ पे देखो।
देख कालू को देख, कालू को देख। गाइस ये ना मुझे जब मैं आई थी यहाँ पे दोपहर में मिले थे, दोपहर से आप दिखे, मैंने पूरी रात इनको देखा, पता नहीं कहाँ गए थे। कहाँ वो रे करुआ अरे मम्मा वो चोकू में साथ में तुम दोनों की मम्मा हूँ मैं। हाँ हाँ मैं तेरी मम्मा हूँ। कहाँ खो गए वो तू? पापा भी सूट ले भी गए तो को। हाँ कालू को तो को ले भी गए भी सूट। ये तो कहाँ पे मोकू? ए मैया ए मैया ए मैया पता हूँ ना कहाँ कहाँ डोल रहे तो है। दो भैया कारू और गोलू, कारू और भूरा है ना। पापा आगो आगो पापा पापा आगो देख बिस्कुट लेके लादा मेरे बच्चन को बिस्कुट। देख ऐसे किल्लारो भी पता है कालू। तेरी मामा हूँ कोई बारी खोगा हूँ मैं आप पागो हूँ कालू बिस्कुट ले आजा। कहाँ यार वाले के? अरे वो तो लेके चल दे तो जिना खा रहा हूँ बच्चा। और मैया ले चलो लेके भाई। दोस्तों मैं इस टेम्पू की बात कर रही थी, इसका नाम है गणेशा, गणेशा टेम्पू जो कि कई साल पहले लुप्त तो हो गए पता नहीं कहाँ, और ये चलता नहीं है। बहुत साल पहले, कई साल, कितने साल हो गए होंगे? अरे नहीं 15-20 साल तो हो गए। साल पहले बैठो इनमें, इनमें मैं बैठू कम से कम ना यार 20 साल की जब बैठू। गाइस 20 साल पहले मेरे पति ने इसमें बैठ के मतलब गांव में चला करते, लेकिन मैंने नहीं देखे कभी जिंदगी में। मैं तो बस यहाँ पे आके खड़ी थी कल, तो ये एकदम बोल पड़े ओ ओ जेका मैन की बोले कि मैं 20 साल पहले देखे और देखा आज यहाँ खड़े मिले पंजाब के अंदर। गणेशा टेम्पू है ना, गणेश जैसा मोह बनो गाइस, देख सकते हो इसकी बनावट। और अब तो ये बोलते हैं कि इसका मैकेनिक भी नहीं मिलता कहीं भी, क्योंकि पूरी तरह से लुप्त हो गए। और अगर किसी के गांव में हो गाइस, अगर चलते हो अभी भी तो कमेंट में करके जरूर बताना। टेम्पू में पीछे लगा था सिस्टम ये गाइस, ये इस जमाने के टेम्पू है और ये पिछले जमाने का टेम्पू। चलते अपनी मंजिल की तरफ, काफी समय हो गई, पूरी रात यहीं बिताई थी हमने पंजाब के अंदर, लेकिन उन लोगों ने वहाँ से हटा दिया था पुलिस वालों ने, उन लोगों की कोई मजबूरी थी वहाँ पे। कह रहे हैं कि अगर बाई चांस कोई हादसा हो जाता है लोगों के साथ, ज्यादातर आके मतलब कून जाते हैं ट्रेन के सामने, सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, तो वो बात पुलिस वालों के ऊपर आते। कहीं तक उनकी बात भी सही थी, इसलिए अपने बाहर जाओ मतलब नहीं वहाँ पे किसी को ना सोने देते। और गाइस हम लोग ब्लॉग में आज यही खत्म करती हूँ, कल ब्लॉग बनाया था शुरू किया था और एंड आज कर दूँ दूसरे दिन। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। और जय माता दी, मिलते हैं किसी नई ब्लॉग में, ठीक है। जय माँ वैष्णो देवी।